हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। और आज मैं फिर से अमेजोन हॉल लेकर आई हूँ। एक्चुअली विंटर सीजन आ गए हैं तो अमेजोन से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है एंड उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ स्वीट शर्ट और स्वेटर वगैरह मंगाए थे, स्नीकर मंगाए थे, उन सब का हॉल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। एंड ये जो कुछ भी मैंने आज वेयर किया हुआ है, इन सब का भी हॉल ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। सो आप लोग अमेजोन हॉल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉल वीडियो, और आज आपको मेरे बारे में बहुत सारे सीक्रेट भी पता चलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ रिवील करने वाली हूँ वो है मेरी एंटी एजिंग क्रीम। एक्चुअली मैं ना कुछ टाइम से देख रही थी कि मेरे हल्के हल्के से थोड़े रिंकल आ रहे हैं, ऑब्वियसली एज के अकॉर्डिंग होता ही है। सो ये सीबामेड की एंटी रिंकल क्रीम है, सच में ट्रस्ट मी बहुत अच्छी क्रीम है। इसे मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ एंड बहुत सारा डिफरेंस मुझे मेरे फेस पे दिखाई दिया है। एंड आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, ये है एंड ये देखिए पूरी खाली हो चुकी है। एंड ये एक अगर आप मंगाओगे, ये थोड़ी सी मार्केट में ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसका मार्केट प्राइस है 1433 रुपीज़, बट ये आजकल अमेजोन पे आपको मोस्टली ये 1200 के अंदर मिल जाती है, बट आजकल ये 1000 रुपीज़ में मिल रही है। कैन यू बिलीव, मतलब इतनी सस्ती हो गई। आई वॉज सो हैप्पी कि मेरी इतनी महंगी वाली क्रीम इतनी सस्ते में मुझे मिल गई। तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो एंड आप लोगों को दिखाने के लिए ना कि मैं सच में यूज़ कर रही थी। ये देखो, ये खाली डब्बा है मेरे पास, और ये अगर आप एक मंगाओगे तो ये ऑलमोस्ट बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगानी होती है। देखो, मैं इतना सा बिल्कुल लेना है हाथ पे एंड उसे लगा लेना है 2 बार सुबह एंड शाम एंड यू आर डन। एंड 28-30 डेज में ही आपको डिफरेंस दिखाई देने लगता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि हर किसी की कैसे स्किन है, बट अगर आप कोई एंटी एजिंग क्रीम देख रहे हो तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है ये। एंड इसी की, बिकॉज काफ़ी देर तक हम लोग काम करते हैं ना, लैपटॉप पे काम करना एंड यू नो अगर आप पढ़ते हो या कुछ भी है, कुछ ऐसा वर्क है जो हम स्क्रीन पे कुछ नहीं तो हम फोन ही देखते रहते हैं, तो उसके वजह से डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी आते हैं एंड आईज के आसपास रिंकल्स भी। इसी की एक आई क्रीम है, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाई है एंड ये 760 इसका मार्केट प्राइस है एंड ये अमेजोन पे आपको 600 समथिंग की मिल जाती है। एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। कभी यू नो कुछ ऑफर चल रहा होता है तो कभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, समटाइम थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है, तो इसकी भी डिटेल मैं आपको दे दूंगी। एंड ये आई क्रीम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, यू नो डार्क सर्कल्स भी काफ़ी कम हो गए हैं मेरे। एंड आपको इसको 2 बार लगाना है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में, बट मैं इसे एक ही बार नाइट में सिर्फ लगाती हूँ एंड रियली इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। सो ये भी आप मंगा सकते हो। एक मैं ख़त्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी और ये मैंने अभी भी मंगाई है, तो ये भी मैंने रखी हुई है। सो इसको मैं लास्ट 2-3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी, काफ़ी मेरे डार्क सर्कल्स वगैरह भी काफ़ी कम हो गए हैं। एंड जो थर्ड चीज़ है, विंटर में यू नो हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सो यस, हम लोग वैसलीन लगा लेते हैं, लिप बाम लगा लेते हैं, बट एक मैंने बहुत अच्छा लिप बाम ढूंढा है, वो है ये न्यूट्रोजिना का। ये 200 इसका मार्केट प्राइस है, जो कि अमेजोन पे आपको डिस्काउंट में 120-100 के करीब में मिल रही है, प्राइस मैं लिख दूंगी। सो ये काफ़ी अच्छी है एंड जस्ट आपको करना क्या है, आपको हल्का सा लगा लेना है एंड यू नो बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है, कोई ऐसी खुशबू नहीं है, कोई कलर नहीं है मेन चीज़। तो आप इसको बस, मैं इसको क्या करती हूँ, सोने से पहले नाइट में यूज़ कर लेती हूँ एंड होठ फटने का नाम ही नहीं लेते, मतलब काफ़ी अच्छा है। न्यूट्रोजिना के प्रोडक्ट्स वी ऑल नो काफ़ी अच्छे होते हैं। सो इनका लिप बाम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड काफ़ी हैंडी है, यू नो कैरी करने के लिए कितना ईजी है। सो ये आप एक ठंडियों के लिए मंगा लीजिए। एंड उसके बाद हमें ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हमारे हेयर भी ड्राई होते हैं एंड बेसिकली मैं अपना मेकअप जो एवरीडे करती हूँ उसे हटाने के लिए फेस पे ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। तो आप सबको मैंने हमेशा बताया है कि मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, बट बिकॉज ऑफ विंटर हमारी स्किन ना थोड़ी ज़्यादा ही, स्पेशली मेरी स्किन विच इज़ वेरी वेरी ड्राई, सो मैंने यहाँ अमेजोन से ही, एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से इसलिए मंगाई हैं बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिली हैं एंड काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको अमेजोन पे इन सारी चीज़ों ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे मिल जाता है। सो आप एक बार बाहर लेने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एंड ये सब नेसेसरली चीज़ें हैं, हर कोई अपने घर में मंगाते ही, सो आप डेफिनेटली अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइज, ये है बादाम रोगन का तेल। एक्चुअली जो आलमंड ऑयल होता है ना, आपको बहुत ऐसे लोकल मिल जाएंगे, बट आई कैन टेल यू कोई आते होंगे ओरिजिनल मुझे नहीं पता, बट
जो ये रोगन है, बादाम रोगन, अगर आप ओरिजिनल बादाम का ऑयल ढूंढ रहे हो तो यही मुझे लगता है कि ओरिजिनल है। एंड मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ, मतलब नॉट एवरी डे बट येस, जब मैं मेकअप हटाती हूँ तो मैं कोकोनट ऑयल से हटाती हूँ, पैराशूट कोकोनट ऑयल। सो ये एक डब्बा मैंने बड़ा सा मंगा के रख लिया है, इस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट था तो मैंने इसे मंगा लिया, बिकॉज मैं हेयर और इन सब में तो कोकोनट ऑयल, यू नो, मैं बॉडी लोशन में भी मिक्स करके लगा लेती हूँ। सो कोकोनट ऑयल हर किसी के घर में होता ही है, ज़रूरत होती ही है, तो आप इसे मंगा सकते हो, काफ़ी डिस्काउंट पे मिल जाएगा। एंड ये फिगारो का ऑलिव ऑयल है, ये अलमंड ऑयल है। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, इन तीनों ऑयल को मिला के अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। सो ये मुझे काफ़ी पसंद है। कभी भी आपकी स्किन ड्राई हो, हल्का सा अलमंड ऑयल लो, मसाज कर लो, एंड देन उसके बाद फेस वॉश अगर आप यूज़ करते हो तो यूज़ करिए, जिससे भी आप अपना फेस धोते हैं आप धो सकते हो, काफ़ी शाइनी हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की हैं, इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप माई हॉल स्टोर के लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है आपको सारी चीज़ों पे। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, जो भी मैंने चीज़ें मंगाई जो मैं खुद यूज़ करती हूँ पर्सनली, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ येस, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड मेरे चैनल सिंपली शिल्पी को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।